अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशी आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बेबी का डिज़ाइनर ड्रेस डिज़ाइनिंग लाई है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आइडिया दूंगी कि आप कम फैब्रिक में, कम विड्थ वाले फैब्रिक में कैसे बेल बॉटम बना सकती हैं और डिज़ाइनर एप्लिक वर्क का काम करवा सकती हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप इसके बेल बॉटम की लुक देखिए कि फैब्रिक शिलिंग किया तो इसकी विड्थ कम हो गई। तो हमने क्या किया, इसकी आसन में कपड़ा डाला और इसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए आप ये देख रहे होंगे इसकी टोटल विड्थ इतनी थी। फिर हमने दो पैनल कट किए ट्रायंगल, इसके सेंटर में जोड़ नहीं है, यानी कि पूरा एक ट्रायंगल शेप में फैब्रिक कट करें। हमने इसकी कटिंग अपने अदर चैनल खुशी मकबूल में डिटेल के साथ दिखाई हुई है कि कम फैब्रिक से बेल बॉटम की विड्थ को आप कैसे बढ़ा सकती हैं। क्योंकि विड्थ कम होने की वजह से हम अक्सर ऐसा होता है हमारा ये ट्राउज़र तंग हो जाता है, आसन में से भी, बड़ी गर्ल्स के लिए भी और बेबीज़ के लिए भी एक ही ट्रिक है। तो आप इस तरह ये ऊपर तक एक ट्रायंगल सेंटर में पैनल डाल लें, जितना ज़्यादा विड्थ में डालेंगी आपकी बेल बॉटम की विड्थ उतनी ही ज़्यादा होगी। कम डालेंगी, कम करना चाहती हैं कम कर लें, ज़्यादा करना चाहती हैं ज़्यादा कर लें। अगर आपको मेरे बताने से भी अगर अब आपको समझ ना आए, आप मेरे अदर चैनल खुशी मकबूल में इसकी स्टिचिंग कटिंग डिटेल के साथ देख सकती हैं, क्योंकि ये चैनल मेरा सिर्फ आइडियाज़ वीडियोज़ का है। मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को आइडिया देती हूँ उस चैनल में कि आप इस तरह की वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। ये देखें व्यूवर्स, ये एक डिज़ाइनर कुर्ती है, एप्लिक वर्क है, जो हमारी लेडीज़ एप्लिक वर्क की माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। आप उन्हें सेम उसी का, यानी कि इस फैब्रिक का कपड़ा आप कुर्ती के लिए दीजिए, वो आपको एप्लिक वर्क कर देंगी। क्योंकि एप्लिक वर्क जिन्हें आती है उनके लिए ये ट्रिक बहुत ईजी होती है, बहुत ही ईजी होती है। सिर्फ ये आइडियाज़ वीडियोस है, आपको एक डिज़ाइनर ड्रेस बनाने का आइडिया दिया जा रहा है कि अगर आप चाहती हैं आप अपनी बेबी के एप्लिक वर्क ड्रेस बनाएं, तो आप इस तरह की एप्लिक वर्क अपनी एक्सपर्ट एम्ब्रॉयडर से करवा सकती हैं। इसमें स्ट्रेट स्लीव्स है, पाइपिंग का इस्तेमाल आप देख रही हैं, और स्लीव्स में बॉटम में भी एप्लिक वर्क है और पाइपिंग का इस्तेमाल है नेक लाइन में। अगर आप ये स्ट्रेट स्लीव्स, जिसे बैगी स्लीव्स कहते हैं, ये बगैर पाइपिंग के भी लगा सकती हैं, इससे ये कुर्ता लुक आती है। क्योंकि ये डिज़ाइनर ड्रेस इंतहाई खूबसूरत है, रियल में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस ड्रेस की आप कटिंग स्टिचिंग मेरे चैनल खुशी मकबूल में डिटेल के साथ देख सकती हैं। और मैं चाहती हूँ मैं अपने दोनों तरह के व्यूअर जो स्टिचिंग जानते हैं या करते हैं, जो सिर्फ डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं, उन्हें दोनों चैनल्स पर आइडियाज़ भी दूँ, कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी दूँ। सिर्फ ये चैनल मेरा आइडियाज़ वीडियोज़ का है, मार्केट की वीडियो का है, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को मार्केट में जाकर आइडिया दूँ कि किस तरह से डिज़ाइनर ड्रेस आप कैसे रेडी कर सकती हैं और किस किस कीमत के हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरा साथ दीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में राय दीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, हमारे आइडियाज़ कैसे लगते हैं, और बेल को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि चैनल की बेल को प्रेस किए बगैर आप मेरा नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स को ये बात मालूम नहीं है कि बेल को प्रेस करने से नोटिफिकेशन पहुंचता है, तो प्लीज़ मेरी इस बात को मद्देनज़र रखिए, क्योंकि बेल अपडेट हो चुकी है। जैसे ही बेल को आप प्रेस करेंगी ऑल का ऑप्शन आएगा, आपने ऑल के ऑप्शन को प्रेस करना है, बेल अपडेट हो गई है, इसलिए जैसे ही प्रेस करेंगी बेल प्रेस हो जाएगी। ये बात मैं डिटेल से कुछ दिनों से अपने व्यूवर्स को बता रही हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स को हमारा नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा, तो मैंने सोचा अपनी वीडियोस में डिटेल के साथ इस बात की आगाही दूँ, प्लीज़ प्लीज़ बेल को प्रेस कर लें। और अगर आपको इस तरह के ही डिज़ाइनर ड्रेस मज़ीद देखने हों, तो आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें, आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल में मिलेंगी। और अदर चैनल में इस तमाम ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग डिटेल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह पाक हम सब की हर जायज़ हाजात कबूल और मंजूर फरमाए, जो हमारे हक़ में बेहतर है, जिन जिन में हमारी भलाई है और जिन दुआओं का अंजाम हमारे लिए बेहतरीन।
ओके, अल्लाह हाफिज़।